हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा। तो आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको ओपन पोर्स के लिए कुछ रेमेडी बताऊंगी। देखिए क्या होता है कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके चेहरे के जो पोर्स है बहुत बड़े होते हैं, ओपन रहते हैं, तो उनको क्लोज कैसे करना है जिससे हम पिम्पल से बच सके। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ होम रेमेडी। तो यहाँ पे लिया है मैंने रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है मैं लूँगी 1 टीस्पून। वन टीस्पून रोज़ वाटर हमको लेना है एक बाउल में। फिर यहाँ पे मैंने लिया है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमको लेना है 1/4 टीस्पून। और फिर हमको लगेगा एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल हम लेंगे, वो भी लेंगे हम 1/4 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें हमने ली है और इनको अभी अच्छी तरह से हमको मिक्स करके लेना है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेकर बना सकते हैं और जो स्प्रे वाली बॉटल होती है उसमें भरकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, आप यही कम क्वांटिटी में बनाइए। अच्छे से मिक्स करके लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, कॉटन लेना है। कॉटन बॉल को इसमें डुबोना है और उसको फिर अपने चेहरे पर लगाना है जहाँ पर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स है। आप ये रात को सोने से पहले अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा। रात भर वो जो सॉल्यूशन है ये हमारे चेहरे पर रहेगा, तो ओपन प्रॉब्लम की जो भी प्रॉब्लम है वो हमें थोड़ी थोड़ी मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम। तो और अगर आपको नहीं तो आप ये अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कॉटन बॉल की मदद से लगाना, तो आप स्प्रे वाली बॉटल में ये सॉल्यूशन भर लीजिए और सिर्फ स्प्रे कीजिए अपने चेहरे पर, और थोड़ा सा अपने हाथों से फिंगर से थोड़ा सा टैप कीजिए ताकि जो हमारा ये मिक्सचर है वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। तो ये होम रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये होम रेमेडी कैसे लगी। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।